से। कदमा डीबीएमएस स्कूल कानून को ताक पर रखकर मनमानी पर उतर गया है। बगैर बीपीएल कार्ड के एडमिशन फॉर्म लेने आए अभिभावकों को लौटा दिया। वहीं स्कूल प्रबंधन के मनमानी से नाराज जमशेदपुर अभिभावक संघ ने स्कूल गेट जाम कर कदमा स्थित डीबीएमएस स्कूल में बीपीएल धारकों के बच्चों के एडमिशन के लिए फॉर्म बंटना था। कानूनन फॉर्म लेने के लिए किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना था। इसके बाद भी स्कूल प्रबंधन अभिवांछित वर्ग के लोगों से बीपीएल कार्ड दिखाने की मांग की। तब लोगों ने जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार को जानकारी दी। वे दल बल के साथ डीबीएमएस स्कूल पहुंच गए और प्रिंसिपल व सेक्रेटरी से बात कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन स्कूल प्रबंधन के अड़ैल रवैये के कारण बात नहीं बनी और बहुत सारे लोगों को एडमिशन फॉर्म नहीं मिला। आज यहाँ आए तो क्या बात? ओरिजिनल मतलब डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं कि जैसे कि फ्री नहीं, जैसे जिसको मैं हम लोग गए थे तो उसको मैं हम लोग का बिना डॉक्यूमेंट का। आज यहाँ आए तो कौन स्कूल आए आज? डीबीएमएस। यहाँ क्या बोल रहे, फॉर्म मिला आपको? वहीं स्कूल की मनमानी से नाराज जमशेदपुर अभिभावक संघ ने स्कूल गेट जाम कर दिया। लोगों को स्कूल के अंदर और बाहर आने जाने पर रोक लगा दी। सूचना पाकर पुलिस पहुंची। डॉक्टर उमेश कुमार ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन इंडिया के कानून से अपने को ऊपर मानते हुए आरटी कानून को नहीं मान रहा है। सरकार ने आरटी लागू कर दिया पूरे देश में, झारखंड में भी लागू हो गया, और उसके बाद जो है जो गाइडलाइंस उसमें दिए गए हैं उसमें सीधे कहा गया है कि अभिवंचित वर्ग जो है वो अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन फॉर्म लें। फॉर्म लेने के समय में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, दिखाना नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट दिखाना है एडमिशन के दरमियान दिखाना है। लेकिन यहाँ के प्राइवेट स्कूल जो है चाह रहे हैं कि बीपीएल के जो अभिवंचित वर्ग के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़े नहीं, उनका सीट खाली रहे और सीट की वो बंदरबांट करें, उसको ऊंचे दाम पर बेचे। जमशेदपुर अभिभावक संघ हमेशा से अभिभावकों के मदद के लिए हमेशा खड़ा रहा है। आज हम उसी के मांग के लिए आए थे जो यहाँ डीबीएमएस स्कूल कदमा में जो फॉर्म नहीं दिया जा रहा है, पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि डॉक्यूमेंट दिखाए। सीधी सी बात है कि ये जो है इंडिया में अपनी स्कूल को चलाते नहीं है, चलाते हैं तो अपने आप को इंडिया के कानून से ऊपर मानते हैं, यही हम समझ रहे हैं। किन से बात हुई थी? अभी सेक्रेटरी से बात हो रही थी, स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात हुई अभी है। तो कार्ड मांगने का कोई मकसद ही नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हो रही है, जिसको स्कूल में सैटरडे को हुआ था वहाँ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, कोई बिना डॉक्यूमेंट दिखाए नहीं फॉर्म इशू कर दिया गया। जेपीएस में आज हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया, वहाँ भी पेरेंट्स को फॉर्म विदाउट डॉक्यूमेंट दिया गया, यहाँ पर क्यों इस तरह की बात हो रही है?